अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडीज़ कॉर्नर। आज हम सी शार्प के लेसन 14 में लूप्स इन सी शार्प फॉर एंड फॉर ईच लूप को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अपने लेसन 12 में आपको वाइल लूप सिखाया, डू में लेसन 13 के अंदर डू लूप सिखाया, डू वाइल लूप, और आज के लेसन में मैं आपको फॉर और फॉर ईच डिस्कस करूँगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि फॉर लूप हमारे पास किस तरह से वर्क करता है। इससे पहले मैं आपको वाइल लूप बताती हूँ कि आपके पास आपको समझ में ये बात आ जाएगी कि वाइल और फॉर में डिफरेंस क्या है। पहले ये चेक करते हैं। मैं यहाँ पे इंट टाइप की एक एरे ले रही हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर लिखा नंबर्स इक्वल्स टू न्यू इंट, और उसके बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ पे वो साइज़ डिक्लेयर कर दें जो भी आपको एरे का रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा 3 और टर्मिनेटर लगा दिया। अब स्टूडेंट्स, मैं इसके अंदर वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर देती हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगी नंबर्स, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पोजिशन असाइन करूँगी और यहाँ पर नंबर्स इनिशियलाइज करती जाऊँगी। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरिएबल 1 equals to 13, वेरिएबल नेम पोजिशन 14, ये मैंने वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दी। अब स्टूडेंट्स, मुझे इनको प्रिंट करवाना है, तो मैं आपको यहाँ पे वाइल लूप डिस्कस करूँगी। इंटीजर टाइप में मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मेरे पास इनिशियल पोजिशन स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से लूप स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स, वाइल लूप मैंने यहाँ पे मार्क किया, और यहाँ पे मैं कंडीशन मार्क कर दूंगी, बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि आपके पास अगर ये ट्रू होगी तो आपके पास लूप आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं वहाँ यहाँ पे वो लाइन स्टेटमेंट लिखूंगी जो कि मेरे पास इस नंबर्स को प्रिंट करवाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसकी पोजिशन मेरे पास किस में है, स्टूडेंट आई में, और इसके बाद मेरे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि वाइल लूप से ये प्रिंट हो जाएंगे। कंट्रोल F5 फॉर एग्जीक्यूशन, और आपके पास यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 12, 13, 14। स्टूडेंट्स, आपके पास वाइल लूप और फॉर लूप में इतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप जो है इनिशियलाइजेशन अलग करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे लगाते हैं, और उसके बाद आप कंडीशन यहाँ मार्क करते हैं। लेकिन आपके पास स्टूडेंट, मैं यही काम फॉर लूप से आपको करके दिखाती हूँ। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, फॉर आपने मार्क किया स्टूडेंट्स, स्टार्ट में हमारे पास स्टूडेंट इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन मार्क होती है। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर्स डॉट लेंथ, जहाँ तक मेरे पास एरे की लेंथ है वहाँ तक ये लूप चलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक वेरिएबल चेंज कर देती हूँ, जे कर देती हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट में किया था, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास लास्ट में स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास वाइल है, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर आपके पास कंडीशन, फिर आपके पास स्टेटमेंट, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, इसी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फॉर के कीवर्ड के साथ इनिशियलाइजेशन हो जाती है, यहीं आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन मौजूद होती है, और यहीं पर आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर मौजूद होता है। अब मैं स्टूडेंट्स इसको प्रिंट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा जे, और अब मैं आपको इसको भी दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे पास ऊपर प्रिंट हो रहा है 12, 13, 14, और नीचे प्रिंट हो रहा है 0, 1, 2। तो यहाँ पे मेरे पास मिस्टेक हो रही है, और मैंने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, जे को प्रिंट कर दिया। लेकिन मुझे प्रिंट किसको करना था स्टूडेंट्स, मुझे एरे के नंबर्स को प्रिंट करना था, उसकी पोजिशन को प्रिंट नहीं करना था, राइट। तो अब मेरे पास एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, ये देखिए स्टूडेंट 12, 13, 14 और 12, 13, 14। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हुआ कि वाइल और फॉर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक जगह पे होते हैं फॉर लूप में, और वाइल में हमारे पास अलग अलग मौजूद होते हैं। अब मैं यही काम आपको फॉर ईच चेक करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, और चेक करते हैं कि हम अगर फॉर वाइल और फॉर ईच के लूप में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, फॉर ईच लूप हमारे पास यूजुअली यूज़ होता है
कलेक्शन के लिए, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेट टाइम हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ समथिंग. फॉर लूप इज वेरी सिमिलर टू व्हाइल लूप. इन व्हाइल लूप वी डू द इनिशियलाइजेशन एट वन प्लेस, कंडीशन चेक एट अनदर प्लेस एंड मॉडिफाइंग द वेरिएबल एट अनदर प्लेस, वेयर एज फॉर लूप हैज़ ऑल ऑफ दिस एट वन प्लेस. ये सब चीज़ें हमारे पास फॉर लूप में एक जगह होती हैं, जबकि हमारे पास व्हाइल लूप में अलग अलग होती हैं. फॉर ईच लूप की स्टूडेंट बात करूँ तो फॉर ईच लूप इज़ यूज टू आइटरेट थ्रू द आइटम्स इन अ कलेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, फॉर ईच लूप कैन बी यूज विद एरे एंड और कलेक्शन सच एज हैश टेबल, एरे लिस्ट, जेनेरिक्स. वी विल कवर कलेक्शंस एंड जेनेरिक्स इन लेटर सेशंस. अब मैं आपको स्टूडेंट्स फॉर ईच लूप परफॉर्म करके दिखाती हूँ. सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे पास ऊपर नंबर्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं. अब मैं बात करती हूँ कि फॉर ईच लूप में हमारे पास क्या क्या आता है. स्टूडेंट्स फॉर ईच का हमारे पास एक ये बेनिफिट है कि यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन नहीं आ सकती. कैसे, मैं आपको बताती हूँ. स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा फॉर ईच, और उसके बाद आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, और सबसे पहले आप टाइप लिखेंगे कि आपके पास जो एरे है, जो एलिमेंट्स आपको प्रिंट करने हैं, उसकी टाइप क्या है. तो मेरे पास ऊपर इंटीजर है तो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा. उसके बाद आप यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे जिसमें आपके पास एलिमेंट्स आएंगे. इन किसमें से आएंगे स्टूडेंट्स, आपके पास जो भी एरे का नाम है यहाँ पे लिख दें. नंबर्स, नंबर्स में से आपके पास, अब आपके पास स्टूडेंट होगा क्या कि इसमें आपके पास जो एलिमेंट है वो इसमें स्टोर हो जाएंगे और उसके बाद इसको प्रिंट करा देंगे. कैसे, आपके पास यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएं स्टूडेंट्स, और उसके बाद आप कंसोल डॉट राइट में लिखे के. अब मेरे पास स्टूडेंट ये एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे प्रिंट होंगे. 12, 13, 14 स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर ईच का डिफरेंस ये, फॉर ईच का बेनिफिट ये है, आपको यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करनी पड़ती, कोई बुलियन कंडीशन मार्क नहीं करनी पड़ती, और ना ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ता है. यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया 4, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एक और एलिमेंट. अब स्टूडेंट्स होता क्या है, मेरे पास जब भी आप इस चीज़ को इंक्रीमेंट करूँगी तो मेरे पास एक्सेप्शन आ जाएगी कि आपने इंक्रीमेंट यहाँ पे, क्योंकि अगर मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट नहीं करूँगी तो आपके पास यहाँ पर एक्सेप्शन आती है. मैं आपको दिखाती हूँ इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की, लेकिन आपके पास फॉर ईच में नहीं आती. मैं इसको कमेंट कर देती हूँ स्टूडेंट, कंट्रोल के और सी, ये आपके पास लाइन कमेंट हो गई मेरे पास स्टूडेंट. अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि मेरे पास एलिमेंट्स तो थे रही हैं और लेकिन मैं यहाँ पे चार वैल्यू, अभी आप देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे एक्सेप्शन आई. क्या कह रहा है, अनहैंडल एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आ रही है. जबकि हमारे पास अगर मैं यही काम आपको फॉर ईच से करके दिखाऊं तो वहाँ पे इस तरह से नहीं होता. कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट्स. फर्स्टली मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और इसको अनकमेंट कर देती हूँ. नीचे वाली लाइन्स जो मेरे पास मौजूद है फॉर ईच लूप को अनकमेंट कर देती हूँ. अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ प्रिंट करके. ओके, तो हमारे पास स्टूडेंट लिखा है फॉर ईच, तो इन के इंटीजर के. अब आपके पास स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शन आने के कोई चांसेस नहीं होते. कैसे, आपने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा, यहाँ पे आपको लेंथ डिफाइन नहीं करनी पड़ी, कोई बुलियन कंडीशन मार्क नहीं करनी पड़ी. ये देखिए स्टूडेंट मेरे पास 12, 13, 14 और 13 प्रिंट हो गया, जो कि मैंने लास्ट में 13 यहाँ पे लिखा था. तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 13 प्रिंट हो गया. सो स्टूडेंट हमारे पास जब भी हम एरे को यूज़ करें तो हमें फॉर ईच लूप को प्रेफर करना चाहिए और फॉर ईच लूप को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करनी पड़ती, कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगाना पड़ता. आपके पास फॉर और वाइल में एक्सेप्शन के चांसेस होते हैं, लेकिन फॉर ईच लूप में आपके पास एक्सेप्शन के चांसेस नहीं होते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको यहाँ पे, अब मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे दो कीवर्ड्स यूज़ करना सिखाती हूँ, ब्रेक और कंटिन्यू. वो कैसे यूज़ करते हैं इस पर बात करेंगे. मैं यहाँ से स्टूडेंट ये सब चीज़ें रिमूव कर देती हूँ. अब स्टूडेंट्स मेरे पास एक फॉर का लूप लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉर का मेरे पास जो लूप है
वो 10 तक नंबर्स प्रिंट होंगे, 20 तक प्रिंट होंगे फॉर एग्जांपल। अब ब्रेक और कंटिन्यू का क्या काम है स्टूडेंट्स? हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ब्रेक और कंटिन्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कैसे काम करते हैं? ब्रेक और कंटिन्यू हमारे पास करंट एग्जीक्यूशन को कौन सा रोकता है और कौन सा आपके पास इससे ज़्यादा एग्जीक्यूट करता है, मैं आपको ये बताऊँगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं ब्रेक स्टेटमेंट की बात करती हूँ, तो आपके पास ब्रेक किस तरह काम करता है स्टूडेंट्स? अगर मैंने यहाँ पे इफ की कंडीशन मार्क की और इसमें मैंने यहाँ पे लिखा अगर मेरे पास जे के इक्वल इक्वल टू 10 हो, ओके पहले मैं आपको ऐसे ही प्रिंट करके दिखाती हूँ इसको। अभी स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे 0 to 20 नंबर प्रिंट होने चाहिए, 0 से 20 तक 19 तक प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया स्टूडेंट। मैं इक्वल लगा देती हूँ तो आपके पास ये 20 तक प्रिंट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट मेरे पास 0 से 20 तक एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रही हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 10 आए तो आपके पास लूप ब्रेक हो जाए। ब्रेक आपके पास स्टूडेंट क्या काम करता है आप अभी देखिएगा स्टूडेंट। ब्रेक आपके पास एग्जीक्यूशन के आपके लूप को स्टॉप कर देता है। ये देखें 10 तक प्रिंट हो रहे हैं, क्यों स्टूडेंट? जब आप मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आपके पास इफ मैंने कंडीशन स्टूडेंट यहाँ पे मार्क करी कि अगर आपके पास जे के अंदर 10 आए तो लूप ब्रेक हो जाए, तो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट लूप ब्रेक हो गया। अब स्टूडेंट मैं आपको कंटिन्यू को भी यूज करके दिखा देती हूँ। अब मैंने स्टूडेंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 तक मेरे पास नंबर प्रिंट हो रहे हैं, अब मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन मार्क करी कि इफ पहले आपके पास कंडीशन चेक होगी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखा इफ जे अगर मैं जे के अंदर जो भी नंबर्स हैं उनको डिवाइड करूंगी 2 से और उसका आउटपुट बराबर होगा 1 के, तो मेरे पास स्टूडेंट लूप कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या काम करेगा स्टूडेंट्स? कंटिन्यू सिर्फ हमारे पास करंट एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है, यानी अगर मैं किसी नंबर को आपके पास लूप पर से स्टार्ट हुआ 0 को डिवाइड करूंगी 2 से तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा 0 इवन नंबर है आपके पास 0, 2, 4 up to so on। तो आपके पास उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 0 आपके पास डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1, आपके पास ये एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास 0 प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 आपके पास सब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो 1 आएगा इसके पास। 1 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो आपके पास रिमाइंडर बचता है 1, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूशन आपके पास ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, तो आपके पास वापस कंट्रोल ऊपर जाएगा और आप फिर 1 ऐड होगा 2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से लूप आपके पास जब अगर आपके पास ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो आपके पास ऊपर चला जाएगा, अगर ये कंडीशन आपके पास फॉल्स होती है यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 या आपके पास कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप आपके पास यहाँ पर आएगा और आपके पास उस नंबर को प्रिंट कर देगा। मैं आपको दिखाती हूँ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। दैट्स इट टुडे स्टूडेंट्स। मैंने आपको आज फॉर ईच लूप और इसके अलावा मैंने आपको ब्रेक और कंटिन्यू की एग्जांपल्स करवाई। अब ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक आउट ऑफ द लूप एट द करंट पॉइंट एंड वी कैन से दैट इट टर्मिनेट द लूप कंडीशन। अ कंटिन्यू स्टेटमेंट जंप आउट ऑफ द करंट लूप कंडीशन एंड जंप बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ द लूप। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आप मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मज़ीद आपको कोई चीज़ लर्न करनी है तो स्टूडेंट स्टडीज़ कॉर्नर को विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद है वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।